ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग, भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी, सर्व समाज ने निकाली रैली, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। यौन शोषण के आरोपी कुश्ती कोच संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों के समर्थन में सर्व समाज व चौधरी चरण सिंह विकास समिति की ओर से रैली निकालकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। इससे पहले सर्व समाज व चौधरी चरण सिंह विकास समिति के पदाधिकारी व सदस्य वीर सावरकर शिक्षण संस्थान परिसर में जमा हुए, जहां पर पूर्व प्रधान शेर सिंह नेहरा, पूर्व प्रधान निहाल सिंह रणवा, पूर्व प्रधान बजरंग चारावास, पूर्व उप प्रधान उमराव डांगी, समाज सेवी शीशराम हलवाई, समाज समिति के संयोजक मुकेश गढ़वाल, उप प्रधान विपिन नूनिया, ओष्टु सरपंच विनोद डांगी, दिनेश सारण, समिति के अध्यक्ष रणवीर थालोर, सुशील डांगी, सारी सरपंच उमेद बराला आदि ने महिला पहलवानों के साथ हुई यौन उत्पीड़न की घटना पर आक्रोश जताया। दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई। वीर सावरकर शिक्षण संस्थान से रवाना होकर कोर्ट रोड होते उपखंड कार्यालय तक रैली निकाली गई। रैली के दौरान ब्रजभूषण सिंह व भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आप सबको मालूम है कि जिस प्रकार से इन पहलवानों ने देश की शान बढ़ाई थी, आज उनको इस तरह से दलील किया जा रहा है। एक महीने से वो धरने में बैठे हैं और उनको जिस तरह से घसीटा गया, जिस तरह से उनके साथ मारपीट की गई, ये समाज के लिए और सरकार के लिए, सबके लिए बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। और इस देश की जनता जागरूक है, वो इन चीज़ों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और मोदी सरकार को इसको ब्रजभूषण को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। अगर इसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो इसके नतीजे बहुत बुरे होने वाले हैं। हम उसी के खिलाफ आज सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे होके और पहलवानों के समर्थन में और ब्रजभूषण के खिलाफ ये ज्ञापन दे रहे हैं और सरकार से हमारी पुरजोर शब्दों में मांग है कि सरकार इसको ब्रजभूषण को गिरफ्तार करे और पहलवानों को न्याय दिलाए। देश हित में, राज हित में और समाज हित में यही है, इसके सिवाय कोई बात हो नहीं सकती। धन्यवाद। क्या मांग को लेकर आ पाए हैं? नहीं, मांग तो सर सारे थान भी रही है कि क्या चल रही है टाइम देश के अंदर। इतना दुर्भाग्य वो काम चल रहे है कि जय मान लो तो देश को गौरव बढ़ाए होगा, बेटियां आज ये हद पर आ गई कि वो गौरव वो मेहनत ने काल मतलब तो बेतुको काम हो गया जिकी कोई बता मतलब ई सरकार से यह उम्मीद को नहीं जाए। मतलब जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिसो नारो सिर्फ देवे। काल परसों चिड़ावा के अंदर भी मैं देखे ये चीज को आयोजन तो की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो पहले न्यू तो बताओ बचावा कहूँ। ई टाइम ई देश की स्थिति यह है कि जो ई देश ने अलग कर रही है वह सारी ताकत एक है और जो ई देश ने एक कर सके वह सारी ताकत अलग हो रही है। तो जब ये मतलब अया को प्रकरण देश में बढ़ते जा रहे हैं, जया नया संसद को उद्घाटन करो तो जो लोकतंत्र को मंदिर हो रहे हो मंदिर जैसा ही काम होने लग गया जी की वजह से। देखो एक नाके तो यू हो रहा है, दूसरे नाके पुलिस जो दुर्व्यवहार उन खिलाड़ियों के साथ में कर रहे है वो सारो देश देखे है। देखिए न्याय प्रक्रिया के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा वो कोर्ट का काम है, लेकिन इनके समर्थकों ने उन बेटियों को एक तरीके से दोषी करार कर दिया है जो कि सरासर गलत है। और ये मौजूदा सरकार उन ताकतों को बढ़ा रही है, उनको बढ़ावा दे रही है। देश के प्रधानमंत्री का इतना कर्तव्य जरूर बनता है कि वो एक शब्द कुछ ऐसा बेटियों के मनोबल में कहें जो उनको ये जो इनको ये आस जगाए कि वो इस देश के नागरिक है। ट्विटर पे भी एएनआई ने एक न्यूज पब्लिश की थी, उसका खंडन दिल्ली पुलिस ने किया था। उन्होंने बोला कि जल्दी चार्जशीट दर्ज होने वाली, फिर भी उस ट्वीट को मैं इस मामले में मेरे को बात करनी थी, लेकिन उस बात को संदर्भ को समझिए। पोस्ट को जैसे एक्ट के अंदर 3 दिन के अंदर जो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, 4 दिन के अंदर जो बयान होने चाहिए थे उसके अंदर कोर्ट जब हस्तक्षेप करता है तब एफआईआर होती है। दो हफ्ते जब आप कह रहे हो कि बयान नहीं हो पाते, 164 बी के जब तक बयान नहीं हो पाते हैं, उसके बाद में चार्जशीट को लगभग 1 महीना होने आ गया। न्याय प्रक्रिया पे तो सवाल सरकार मजबूर कर रही है। आप एक काम कीजिए ना, संसद के अंदर एक विधेयक पास करवा दीजिए। आप ये कह दीजिए कि कोई भी कानून मेरे जैसे आईन जैसे व्यक्ति के लिए अलग है और किसी चुने हुए प्रतिनिधि के लिए अलग है। चुनाव प्रतिनिधि तो खैर वो मैं पता नहीं उन जिन कारणों से भी वो जूता है, लेकिन एक अच्छा राजनेता एक अच्छा व्यक्तित्व का धनी नहीं हो सकता जिस प्रकार की भाषा वो स्टेज के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है। किसी भी प्रकार से वो संस्कृति का या मान मर्यादा का प्रतीक नहीं हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए तो मुझे लगता है कि कम से कम सरकार गिरफ्तार की तो मैं उम्मीद अभी भी नहीं कर रहा हूं इनसे, लेकिन पाबंद तो करे ऐसे आदमियों को। खुला इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसी इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मेडल लौटाने की जब बात आई थी तो उन्होंने ये व्यंग्य भी किया है कि वे आपने क्यों नहीं लौटाई और क्यों नहीं बहाए। सर जिसने मेहनत नहीं करी ना उन्हें बोलने में क्या जोरा है तो उन्हें आपकी जिंदगी में करोगी है।
छोरी थाने एक बात बताऊं, जी स्पोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं, हरियाणा जिसे प्रदेश में थे, खुद सोच के देखो एक लड़की के लिए एक ऐसा स्पोर्ट जिसके अंदर ऐसी वेशभूषा, ऐसे अपन कहते हैं कि एक संस्कृति विपरीत वेशभूषा, हालांकि उस पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए, ऐसा पहन के जब वो बच्चियां मेहनत करके वहां तक पहुंची है, कितने समाज से वो लड़ी है, अपने परिवार से लड़ी है, कितने सालों का तप संघर्ष है, उस मिट्टी में उनका पसीना खून बहा हुआ है, और वो आदमी कह रहा है कि उस मेडल की 15 रुपए कीमत है, तो ऐसे आदमी का तो वैसे ही कोई पचोड़ नहीं है, वो ये वो कुछ भी गए जाए, ये बात हो वो बात हो, उसके लिए तो वैसे भी कोई मायने नहीं रखता। बताइए, दिल्ली पुलिस जो है, 3 दिन पहले हमारी समिति है चौधरी चरण सिंह विकास समिति जाट समाज चिड़ावा, इसने ये निर्णय किया था कि हमारी जो पहलवान बेटियां हैं जिन्होंने देश का नाम विश्व पटल के ऊपर ऊंचा किया था, ओलंपिक जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है विश्व का, उसके अंदर वो गोल्ड मेडल लेके आई थी, ब्रॉन्ज मेडल लेके आई, सिल्वर मेडल लेके आई, उन लड़कियों ने किसी एक उनके संघ के एक अध्यक्ष के ऊपर उन्होंने आक्षेप लगाए कि उन्होंने हमारा यौन उत्पीड़न किया है, बजाय उस अध्यक्ष पे कार्रवाई करने के, और पुलिस हमारी उन बेटियों पे लाठी चार्ज करती है, इससे हमें बहुत वेदना हुई, बहुत हम आहत हुए, और हमने आज 1 तारीख पे और ये राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का हमने निर्णय लिया था, राष्ट्रपति के नाम इसलिए लिया क्योंकि वो एक महिला है और वो गाहे बगाहे मौके बेमौके वो महिलाओं के अधिकारों के ऊपर बहुत बोलती रही हैं, हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस मामले को संज्ञान में लेंगी और इस पर कोई कार्रवाई करेंगी, लेकिन लगता नहीं है मोदी की तानाशाही में वो कुछ कर पाएंगी, लेकिन कम से कम वो एक बयान तो जारी करें इसको लेके, ये हमारी उम्मीद है जी। जहां लगी हो मौत की बाजी, जहां लगी हो मौत की बाजी वहां नहीं होता रोना अच्छा, जहां बने हो रक्षक की भक्षक वहां नहीं होता दबोचना अच्छा। आज देश में जिस तरीके से लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जिस तरीके से न्याय की मांग को लेकर के यौन अपराधी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के लंबे समय से संघर्षरत जो हमारी बहन बेटियां, पहलवान बहन बेटियां, जो पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, आज पुलिस की ज्यादती के वजह से उनको न्याय मिलना तो दूर की बात है, उनके साथ इतना जघन्य जुल्म हुआ, उनको घसीटा गया सड़क के ऊपर, ये सबसे शर्मनाक, सबसे बड़ा मतलब लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है उस दिन का। तो हम कह देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का किसान मजदूर ये किसी जाति धर्म का या किसी क्षेत्र का सवाल नहीं है, ये सवाल तमाम जातियों का, तमाम धर्मों का, जो न्याय पसंद जो शक्तियां उनका सवाल है, और ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये आज पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा तहसील हेडक्वार्टर पर, जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करके ज्ञापन दे रहा है, और दूसरे संगठन भी विरोध प्रदर्शन में, जैसे यहाँ तेजा संस्थान और दूसरे संगठन कर रहे हैं। हम कह देना चाहते हैं कि मतलब चेतावनी देना चाहते हैं मोदी सरकार को कि तुम्हारा अंत आ चुका है और ये जुल्म अब और बर्दाश्त नहीं होगा, और न्याय दिला करके हम मानेंगे, पीछे हटने वाले नहीं। पीएम का पुतला फूका, पहलवानों के समर्थन में उतरा संयुक्त किसान मोर्चा, आंदोलन को तेज करने की दी चेतावनी। महिला पहलवान बेटियों को घसीटकर गिरफ्तार करने के विरोध में गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूका गया। संयुक्त किसान मोर्चा के एडवोकेट बजरंग लाल ने बताया कि बड़े ही शर्म की बात है कि देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और भाजपा की केंद्र सरकार आरोपियों को समर्थन कर रही है, ये देश की जनता के लिए अस्वीकार कार्य है। किसान मोर्चा इन घटनाओं से बेहद विचलित है। जिन बेटियों ने देश का गौरव बढ़ाया, आज उनके साथ ही राजनीतिक रूप से शक्तिशाली लोगों के इशारों पर केंद्र सरकार द्वारा अत्यंत क्रूरता के साथ व्यवहार किया जा रहा है। रामचंद्र कुलहरी ने कहा कि जिस तरीके से महिला पहलवानों पर लाठियां बरसाई गई और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, वो निंदा करने योग्य है। आज पूरा देश देख रहा है कि हमारे देश को अपने गोल्ड मेडल दिलाने वाले, पूरे मतलब विश्व स्तर पर सम्मान दिलाने वाले जो हमारी बेटियां हैं, उनके साथ में बलात्कार करने वाले एक अपराधी को, जो कि एक सरकार का सांसद है, उसके खिलाफ पूरा देश एकजुट हो रहा है, लेकिन सरकार को, स्थानीय सरकार को, केंद्र सरकार के कान पर जू भी नहीं रह रही है। यह इस चीज को दिखाता है कि आज भी हमारा जो देश है वही उसी जो तुगलकी था जो अंग्रेजों के जमाने में था, जहाँ पर अत्याचारी ही हमेशा प्रबल था, आज वही स्थिति है। जितने भी सरकारें जो भी आज
आगे बढ़ने का, विकास का बात की गई है, वो यहाँ पर सारी धराशायी हो जाती है। सिर्फ ये चुनावी मुद्दे हैं जो चुनाव के टाइम में ऊपर खड़े होते हैं, उसके अलावा किसी की सरकार को किसी के भी हित से कोई मतलब नहीं। आज इतनी बेटियां रोड पर बैठी हैं उनके खिलाफ, जबकि वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है, जो की तानाशाही सरकार का। और आज पूरा देश उनके साथ है, हम उनके साथ है और अंत तक उनका साथ देंगे। 17वां बटालियन द जाट रेजिमेंट ने मनाया स्थापना दिवस। शहीद बेदी पर जाट रेजिमेंट के सैनिकों व पूर्व सैनिकों ने सैकड़ों की संख्या में पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। झुंझुनू के शहीद स्मार्ट पार्क में आज 17वीं बटालियन द जाट रेजिमेंट के बैनर तले पूर्व सैनिकों ने शहीद बेदी पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। झुंझुनू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह व पूर्व सैनिकों ने जानकारी देते हुए बताया कि आज 17वीं बटालियन का जन्म हुआ था, जिसको लेकर हर वर्ष पूरे भारत में 17 बटालियन द जाट रेजिमेंट की स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसी के चलते आज शहीद स्मारक पर शहीदों को याद कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। पूर्व सैनिकों ने बताया कि 17वीं बटालियन का भारत की आर्मी में एक अलग महत्व है, अलग ही नाम है। 17वीं बटालियन ने कारगिल में 3 पोस्ट हासिल कर देश में अपना मान बढ़ाया था। आज शहीदों को पुष्प अर्पित कर सैकड़ों की संख्या में जिले भर के पूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर बटालियन का स्थापना दिवस मनाया है। चंद्रपाल जाट, आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आज हम हमारा रेजिंग डे के उपलक्ष्य में एक्स मैन झुंझुनू के अंदर मना रहे हैं। 1 जून 1966 को हमारी पलटन का जन्म दिवस है। इसको हम हर साल पलटन के अंदर भी और जब फील्ड के अंदर पलटन होती है तो पीस दूरदर्शन के अंदर इसको हम मनाते हैं। आज हम इधर शहीद स्मारक पर इकट्ठे हुए हैं, इधर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जैसा आपको विदित है, 1 जून 1966 को 17 जाट रेजिमेंट रेज हुई थी, तो उसी का सभी जो एक्स फौजी हैं और जो कार्यरत भी हैं वो सभी उसका रेजिंग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सिविल प्रशासन भी इसमें शामिल है। जो एक होमेज होता है, श्रद्धांजलि अर्पित की अपने शहीदों को और उनके सम्मान में सभी लोग एकत्रित हुए। हम 17 जाट 1 जून 1966 को हमारी यूनिट जबलपुर में रेज हुई थी। जब से हम 1 जून 1966 को जहाँ पर भी हमारी यूनिट रहती है और जहाँ से भी हम बंदे हैं, हर साल 1 जून 1966 को हम हमारी यूनिट का स्थापना दिवस मनाते हैं। हमारी यूनिट 17 जाट रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट थी जिसने कारगिल के अंदर 3 पोस्ट हासिल किए, और 17 जाट रेजिमेंट ऑल इंडियन आर्मी के अंदर एक ऐसी रेजिमेंट है जिसका नाम अलग ही है। और आज हम सब हमारी रेजिमेंट के पुराने एक्स सर्विसमैन इकट्ठा होकर हमारी रेजिमेंट का शहीद वो स्थापना दिवस मना रहे हैं, और हमारे जो शहीद हुए हैं जवान उनको याददाश्त के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साहित्यकार डॉक्टर ओम प्रकाश पचरंगिया को दी श्रद्धांजलि। वक्ताओं ने कहा, पचरंगिया के काव्य हमेशा जीवंत रहेंगे। विश्व की 5000 हस्तियों में शामिल रहे नामी साहित्यकार महाअपोध्याय डॉक्टर ओम प्रकाश पचरंगिया की जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। कबूतरखाना बस स्टैंड पर सरकारी अस्पताल के सामने इंदिरा रसोई परिसर में हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पूर्व पालिका अध्यक्ष सुभाष शर्मा, समाज सेवी शीशराम हलवाई और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर LK शर्मा के आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में मुख्य वक्ता झुंझुनू जिला उपभोक्ता समिति जिलाध्यक्ष प्रभूषण तिवाड़ी ने कहा कि साहित्यकार पचरंगिया के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनकी कृति पत्नी पुराण, आशीर्वाद महाकाव्य, अनंत विजय, अर्चना के पुष्प, सीए संधान, स्वास्थ्य रक्षा सहित अन्य साहित्य काफी चर्चित रहे। बिहार, यूपी, MP के विश्वविद्यालयों में उनकी संपादित पुस्तकें पाठ्यक्रम का हिस्सा रही। पूर्व चेयरमैन शर्मा ने कहा कि पचरंगिया का सात्विक जीवन सभी के लिए प्रेरणादायक रहा। समाज सेवी हलवाई ने कहा कि हमेशा पीड़ित की मदद का भाव और चिकित्सा और साहित्य, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। साहित्य के जरिए वे हमेशा लोगों के मन में जीवित रहेंगे। इस दौरान श्री विवेकानंद मित्र परिषद के रोहतास महला, मनोज मान, संजय दादिज, कमलकांत पुजारी, राजू मराठा, राजेंद्र कोतवाल आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर शुभम शर्मा, आशीष शर्मा, नटवर कोतवाल, सौरभ चौरासिया, शुभम निकम, रवि भारतीय, सुरेंद्र वेदांत तिवाड़ी, प्रज्ञा शर्मा, दिव्यांगी शर्मा, प्रियांक शर्मा, अजय चौमाल, परविंदर सोनी, गिरधर गोपाल मैमिया,
विजेंदर लमोरिया, विकास पारिक, कुणाल चौरासिया सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। हरियाणा में पिलानी के निशानेबाजों ने 5 मेडल जीते। किसान की बेटी प्रियंका शोराण चैंपियन बनी। 6वीं ओपन शूटिंग चैंपियनशिप गुड़गांव हरियाणा में 25 से 31 मई 2023 के बीच खेली गई, जिसमें पिलानी की पंचवटी के पास स्थित थार शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी में ओलंपिक स्तर के सभी शूटिंग उपकरणों के साथ सर्वश्रेष्ठ अनुभवी व योग्य अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणित कोच धर्मेंद्र डूडी के मार्गदर्शन में शूटिंग प्रैक्टिस करने वाले युवा निशानेबाजों ने 5 मेडल जीतकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। चैंपियन ऑफ चैंपियन में ब्रॉन्ज मेडल के साथ प्रियंका शोराण चैंपियन बनी। LED देकर सम्मानित किया गया। कोच ने बताया कि उस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी पदक विजेताओं के बीच में एक अलग से प्रतियोगिता होती है, जिसमें तेज म्यूजिक के साथ बहुत शोर से और हल्ला किया जाता है, जिसमें खिलाड़ी का ध्यान भंग हो जाए। जिसमें चैंपियन वह होता है जिसमें धैर्य, संयम और निडरता के साथ कोशिश की जाती है। जिसमें पदक विजेता खिलाड़ी 10 मीटर राइफल महिला वर्ग में प्रियंका शोराण स्वर्ण पदक और चैंपियन ऑफ चैंपियन में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर चैंपियन बनी है। 10 मीटर राइफल में सोमांशु सागवान स्वर्ण पदक, 10 मीटर एयर पिस्टल में हर्षिल शर्मा ने रजत पदक जीता है। 10 मीटर राइफल इवेंट में धनंजय बढ़िया ने रजत पदक हासिल किया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से मिलेगा पिलानी को पानी। झुंझुनू सांसद को श्रेय दिए जाने पर पिलानी विधायक ने जताई नाराजगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अजमेर में हुई सभा के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा पिलानी विधानसभा क्षेत्र के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पानी उपलब्ध करवाने की योजना को स्वीकृत किए जाने की घोषणा का स्वागत करते हुए पिलानी विधायक JP चंदेलिया ने कहा है कि 2018 से ही इसके लिए प्रयास किए जा रहे थे, जो कि अंततः अब सफल हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने परियोजना के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। पिलानी विधायक ने कहा कि क्षेत्र के गांव ढाणियों और कस्बों में पानी की किल्लत की समस्या से मैं वाकिफ था और इसी वजह से 2018 में विधानसभा चुनाव के बाद से ही इस पर काम शुरू कर दिया था। पिलानी विधानसभा क्षेत्र को नहर का पानी उपलब्ध करवाने के लिए विभागीय स्तर पर प्रोजेक्ट की DPR बनवाकर उसे राज्य सरकार से स्वीकृत करवाया गया और 2021 में ही तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेज दिया गया था। विधायक JP चंदेलिया ने इस प्रोजेक्ट का श्रेय लेने के लिए सांसद नरेंद्र खिचड़ की भी निंदा की है। विधायक ने कहा कि सांसद खिचड़ इस मुद्दे पर वाकई गंभीर होते तो यह फाइल 2 साल केंद्र सरकार के दफ्तरों में दबी नहीं रहती। लोगों की तकलीफों की जानकारी होने के बावजूद सांसद ने इसको स्वीकृत करवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और इसके लिए उन्हें क्षेत्र की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। इधर पिलानी शहर में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परियोजना को वित्तीय स्वीकृति मिलने की सूचना पर जमकर जश्न मनाया। स्थानीय कांग्रेस कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर व आतिशबाजी कर एक दूसरे को बधाई दी तथा विधायक JP चंदेलिया के प्रति आभार व्यक्त किया। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ कस्बे में मजदूर की हत्या मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को कोर्ट ने भेजा 4 दिन के पुलिस रिमांड पर। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ कस्बे में 29 मई की रात को साइकिल चोरी के संदेह में एक मजदूर की हत्या के मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। थानाधिकारी रविंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कस्बे के वार्ड नंबर 11 में सिंबुदयाल मेघवाल की हत्या मामले में गिरफ्तार मामचंद, राकेश, नानगराम व चेतन वर्मा को कोर्ट में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान आरोपियों से वारदात में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें, 29 मई की रात को कुछ लोग सिंबुदयाल को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गए थे, फिर उसको घायल अवस्था में घर के बाहर पटक कर चले गए थे। घायल सिंबुदयाल को परिजन सूरजगढ़ के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां चिकित्सकों ने उसे झुंझुनू रेफर कर दिया था। बीच रास्ते में ही सिंबुदयाल की मौत हो गई थी।